हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति टेस्टफुल टेबल। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाते हैं वेज पंचाव सूप, वो भी बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में। फ्रेंड्स, आजकल जैसा टाइम चल रहा है उस टाइम में हमें गर्म चीज़ें खाने के लिए और ये हेल्दी चीज़ें खाने के लिए बहुत रिकमेंड किया जा रहा है बाय डॉक्टर और वो सब जो हमारे हेल्थ की केयर करते हैं। ऐसे में अगर शाम का नाश्ता ये वेज मंचाओ सूप हो जाए तो कुछ बात ही अलग है। ये मैंने बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाया है। ये देखिए कितना यम और टेस्टी लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो सब्जियाँ कट की है उसमें है कैबेज, कॉर्न, ये हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, कैरेट, कैप्सिकम, ओनियन, ये मशरूम, ये स्प्रिंग ओनियन, एक टमाटर और ये बॉईल किए हुए नूडल्स। सबसे पहले हम बॉईल किए हुए नूडल्स को एक मिक्सिंग बाउल में डाल के उसमें 2 स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए मिल गया है, ये ड्राई हो गया है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और क्रंची इसका टेक्सचर जो है हमें अपने स्पैचुला से फील होने लगे। इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। चलिए जब तक ये फ्राई होता है हम अपने टोमेटो को बॉईल कर लेते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से क्रॉस का साइन लगा के इसे बॉईल होने के लिए डालेंगे। ये देखिए हमारे नूडल्स बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अगर ये चिपक रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये क्रिस्पी हो गए हैं, इनसे हाथों से तोड़ के हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। उसी तरह से हम अपने सारे नूडल्स को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हमारा टमाटर भी बॉईल हो गया है क्योंकि इसमें क्रैक्स आ गए हैं, इसका स्किन टोमेटो से बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे पील ऑफ कर लेंगे। ठंडा होने के बाद करें नहीं तो हाथों में जल सकता है। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया है। अब इसे ग्राइंडर में डाल के हम इसे इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये सूप में हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि टोमेटो से एक सूप में एक खट्टापन आता है जो कि सूप की पहचान होती है, नहीं तो सिर्फ वेजीज ऐड करने से सिर्फ वेजीज का टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारा सूप का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब 2 स्पून ऑयल लेंगे अपने पैन में, उसके बाद इसमें कट जिंजर गार्लिक और कट चिलीज पहले ऐड करेंगे। इसे थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी देर। उसके बाद हम अपनी सारी सब्जियों को एक साथ ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले इसको या पहले इसको, सबको हम एक साथ ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे। बस हमें इसे सॉफ्ट करना है, इसे पक्की तरह से भूंजना नहीं है, बस इसे सॉफ्ट करेंगे। इसे ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, ब्लैक पेपर डाल लीजिए और इसे अच्छी तरह से ढक दीजिए ताकि ये स्टीम से अच्छी तरह से अंदर तक पके। तब तक हम 1 स्पून कॉर्नफ्लोर लेके इसका एक लिक्विड तैयार करेंगे। उसमें पानी डाल के देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का 1 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और अपने नूडल्स, फ्राई किए हुए नूडल्स को क्रैक कर लेंगे हाथों से। ये देखिए किस तरह से क्रैक हो रहे हैं। हमारी सब्जियां देखिए सॉफ्ट हो गई है क्योंकि मैंने इसे स्टीम में पकाया है। इसे अगर आप ढकेंगे नहीं तो ये जल सकता है और इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम अपने पिसे हुए टमाटर को ऐड कर देंगे, टमाटर का पेस्ट। अब इसे हम थोड़ी देर फिर से फ्राई करेंगे ताकि हमारा टमाटर जो है वो भी गल जाए। उसके बाद 1/2 स्पून विनेगर, 1/2 स्पून चिली केचप और 1 बिग स्पून सोया केचप ऐड करेंगे और इन सब के साथ इसको फिर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम स्प्रिंग ओनियन ऐड कर देंगे और अपना कॉर्नफ्लोर का लिक्विड ऐड कर देंगे और उसके बाद आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है उसके अनुसार आप इसमें वाटर ऐड कर दें और इसे हम बॉईल होने तक वेट करेंगे।
बॉईल होने के बाद इसका कलर बिल्कुल ही मनचाओ सूप की तरह हो जाएगा और टेस्ट तो पूछिए ही मत। ये देखिए ये कितना सुंदर और कितना कंसिस्टेंसी इसकी कितनी फाइन है, ये बहुत यम और बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए बॉईल हो गया है, अब इसमें हम कुछ फ्राई किए हुए नूडल्स को ऐड कर देंगे और कुछ को बचा के रखेंगे ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। और नूडल्स के साथ इसे थोड़ी देर बॉईल होने दें। ये देखिए बॉईल हो गया है, इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।